प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे एक बने रहे। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, जब तक मैं संसार में हूँ यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे रे तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की दोनों पाठों में वे अपने अनुयायी या चेलों के लिए दुआएं मांगते हैं। प्रभु ईसा अपने पिता से और संत पौलुस ईसा मसीह से कि बस एक ही दुआ है मेरी, वे सलामत रहे। मैं इस संकट में जूझ, मेरी जान जाए तो जाए, बस आप सब खुश रहे और सलामत रहे। यही दुआ हम रोज करते हैं, जब भी मेरे आँख और हाथ स्वर्ग की ओर उठ जाते हैं। ये दोनों व्यक्ति बस हम सबों के लिए दुआएं मांगते हैं, क्योंकि वे अपना कष्ट भरा जीवन गुजार चुके हैं और अब वे अपने गंतव्य जगह पर जा रहे हैं। आज के पहले पाठ में पौलुस कहते हैं कि आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा गया है, इसलिए आप कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने, उनकी रक्षा करें, क्योंकि यह झुंड को प्रभु ने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। आज के वचनों को हम ध्यान से सुने, क्योंकि वचन कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़े आप लोगों के बीच घुस आएगा, जो झुंड पर दया नहीं करेगी, और यह सब हकीकत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गडरिया कहने का मतलब केवल ईसा मसीह और धर्मगुरु ही नहीं होते, किंतु जितने भी लोग अधिकारी गण होते हैं, क्यों ना वो कार्यालय में हो या अपने परिवार में, माता पिता, शिक्षक या कर्मचारी, एक भला गडरिया का काम करता है। आज हम अपने आप से पूछें, क्या मैं सच्चा चरवाहा हूँ या खूंखार भेड़िया? क्योंकि आज का वचन कहता है, आप लोगों में भी ऐसा खूंखार भेड़िया निकल कर आएगी, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाएंगे, अर्थात हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। जैसे कि आप सभी अवगत हैं, पहले आदिवासी एक हुआ करते थे, परंतु आज उसे विभाजन करने की तर्क जोरों से चली हुई है, और यह खूंखार भेड़िया अपनों के बीच में से ही आता है। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं और अवगत कराते हैं कि आप सभी ऐसा चीज़ों से सतर्क रहें, सजग रहें,
क्योंकि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों को संभाले रखा हूँ, सावधान किया हूँ और एकजुट रखा हूँ। संत पौलुस आगे कहते हैं कि मैंने अपने लिए कभी किसी से सोना चांदी या कपड़े नहीं मांगा, परंतु आपके ही श्रमदान और उदारता से अपने कुछ साथियों की आवश्यकताओं को पूरी की है। मेरे हाथ तो केवल पुल का कार्य किया है। इस प्रकार परिश्रम करते हुए मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप दुर्बलों की सहायता करें और प्रभु ईसा का वचन याद रखें कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद होती है, क्योंकि आशा निराशा लाती है और पुण्य पूर्णिमा लाती है, मुस्कान भरती है। प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सच्चा चरवाहा बने, दान दक्षिणा देकर दुर्बलों की सहायता करें, विशेषकर अभी कोरोना के समय में और ऊपर से लॉकडाउन के कारण लोगों को कई सारे तकलीफ उठाना पड़ रहा है। किसी के पास खाने को नहीं है तो किसी को अस्पताल, दवा और अन्य चीज़ें आवश्यकताओं के कारण उनके दम टूट रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग सेवा में लगे हुए हैं उन्हें अपनी ओर से जो भी मदद हो सके उनके ज़रूरत आवश्यकता को पूरा करें। कभी कभी किसी को उदास या हताश व्यक्ति को देखेंगे तो कम से कम उनका समाचार तो ज़रूर पूछिए। हो सकता है वो एक गिलास पानी उनकी प्यास बुझ, आस या हौसला बढ़ जाए। क्योंकि कहा जाता है हमारे मरने के बाद जो भी बचता है वह स्वार्थ और व्यर्थ का धन अर्जित किया गया था। इतना सब कहने के बाद पौलुस घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना की और सब लोग फूट फूट कर रोने लगे, उनका गले लगे, चुम्बन किया और फिर दुख भरी आँखों से उन्हें नाव तक छोड़ दिए। दोस्तों, हमें यह याद रखना है कि हम सब इस संसार के नहीं हैं। जैसे आज के सुसमाचार में योहन अध्याय 17:14 में बोलते हैं कि संसार ने उनसे बैर किया क्योंकि मैं संसार का नहीं हूँ। इसलिए हम सब अपना पूंजी स्वर्ग में जमा करें और सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।